अच्छा हम लोग ने केस नंबर टू कर लिया, अब केस नंबर थ्री देखते हैं। ठीक है, केस नंबर थ्री। तो केस नंबर थ्री में क्या है, हम लोग ने प्रीवियस में क्या किया था, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम किया था। उस समय क्या हुआ था, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया, राइट। अब हम लोग का केस नंबर थ्री में क्या हो जाएगा, व्हेन लाइट रेस ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अब कंसेप्ट समझना है। अब हम लोगों का क्या हो रहा है, व्हेन लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इस समय जो रे होगा वो किधर में हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। द लाइट रेज मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, दैट मीन्स मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, या फिर बेंड हो जाएगा, डायरेक्टली बोल सकते। ठीक है, अब यहाँ प्रीवियस में क्या था, केस नंबर टू में क्या था, वहां पर डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम था। उस समय जो लाइट था वो कहाँ पर मूव हो रहा था, नॉर्मल से अवे मूव हो रहा था। अब ये केस नंबर थ्री है, इसमें कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम मूव हो रहा है। तब उस समय हम लोगों का जो लाइट रे रहेगा वो कहां पर हो जाएगा, वो हम लोगों का टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा। अब इसको डायग्राम के साथ देखते हैं ये कैसा होता है। अब देखो यहां पर हम लोगों का ऐसा करके आ गया, दिस इज अवर रेयरर मीडियम। ठीक है, ये हम लोगों का कौन सा है, डेंसर मीडियम। अब ये हम लोगों का क्या है, नॉर्मल। ठीक है, अब इस समय हम लोग ने क्या बोला है, स्टेटमेंट के हिसाब से ये हम लोगों का लाइट फॉल हो गया। ठीक है, ये हम लोगों का इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे, ये हम लोगों का एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हम लोगों का नॉर्मल। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, जब भी हम लोगों का कंडीशन याद रख लेना, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा उस समय एक्चुअल में आना चाहिए था ऐसा। ठीक है, सीधा, लेकिन ये हम लोगों का कौन सा पार्ट है, रिफ्रैक्शन का पार्ट है। और रिफ्रैक्शन का पार्ट में क्या होता है, वो हम लोगों का लाइट का ओरिजिनली जब हम लोग डेफिनेशन के हिसाब से लिखा था, बेंड हो जाएगा। ठीक है, अब बेंड कैसे होगा ये देखना है, ये हम लोगों का एक्चुअल होना था एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पर यहाँ पर रिफ्रैक्टेड होता है। ये किधर में मूव करेगा, ये हम लोगों का जो नॉर्मल है उसके टुवर्ड्स में आ जाएगा। दैट मीन्स ये हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, रिफ्रैक्टेड एंगल, दैट मीन्स स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग ने बोला है कि वो कहां पर मूव हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। दैट मीन्स ये हम लोगों का इंसिडेंट रे है, और यहाँ पर देखो पूरा एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। क्यों, क्योंकि वहां पर मीडियम चेंज हो गया। कौन सा मीडियम हो गया, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। और रूल याद कर लेना, जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगा उस समय हम लोगों का जो रे हो जाएगा वो किधर में मूव करेगा, हम लोगों का टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा। तो ये हम लोगों का कौन सा हो गया, केस नंबर थ्री हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो कि तुम लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, किसके लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। अब यहां पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, किसके लिए बोल दिया, सपोज ग्लास के लिए बोल दिया। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। ठीक है, अब यहां पर दिया है हम लोगों का किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का। ठीक है, अब हम लोगों को पता है स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट हम लोगों को किस में दिया है, इन वैक्यूम में दिया है। ठीक है, इन वैक्यूम, वैक्यूम इज हम लोगों को पता है कितना होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, कौन सा मीडियम में बोला जाएगा,
इन ग्लास। अब यहां पर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया है 1.5 और उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हम लोगों का कितना दिया है 3.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्वेश्चन में हम लोगों को क्या पूछा गया, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। सो तुम लोगों को मैंने एक कंसेप्ट बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वही फॉर्मूला यहां पर यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं वो फॉर्मूला से कैसे करते हैं। अब यहां पर देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों को दिया गया है कितना 1.5, ठीक है, क्योंकि एयर का हम लोगों का कितना होता है 1 होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों का सी दिया गया है स्पीड ऑफ लाइट कितना दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये भी दे दिया। अब हम लोगों को पता है न्यू मतलब क्या होता है, सी बाय वी, दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट मीन्स ये हम लोगों को डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो स्पीड ऑफ लाइट इन क्या बोला गया है, वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम मतलब यहां पर कौन सा मीडियम आ गया, ग्लास का मीडियम आ गया, ग्लास, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को ग्लास रिलेटेड है, ठीक है, ये किसका है हम लोगों का, ग्लास का है। तो हम लोग सिंपली यहां से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे 1.5 = 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय, ये मीटर पर सेकेंड में है, इसका यूनिट होता है क्या, नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये भी मीटर पर सेकेंड, ये भी मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा, पॉइंट टू बी नोटेड देयर इज नो यूनिट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नो यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नोट करके लिखना, देयर इज नो यूनिट ऑफ क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता है। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना था, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम मतलब कौन सा मीडियम है, यहां पर ग्लास का मीडियम है, दैट मींस वी। अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को कितना मिलेगा, ये हम लोगों को देखना है, वी इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5, ठीक है, दैट मींस हम लोग ने जस्ट क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों को आंसर कितना आ जाएगा, तुम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कितना हो जाएगा, ये हम लोगों का 2 हो गया, दैट मींस v इक्वल टू कितना आ रहा है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो तुम लोगों को मैंने एक चीज बोला था, याद है क्या बोला था, जो हम लोगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो स्पीड ऑफ लाइट को क्या करता है, रिड्यूस कर सकता है बाय अ फैक्टर, बाय अ फैक्टर किसके लिए बोला गया था, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वही चीज यहां पर तुम लोग अच्छे से देखोगे, सपोज मैं उस पे एक यहां पर एक डायग्राम से हिसाब से बता रहा हूं, तो देखो कैलकुलेशन से हम लोगों को मिल गया कितना मिला 2 × 10⁸, दैट मींस ये देखो ये हम लोगों का लाइट आया कितना के हिसाब से आया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट मींस ये हम लोगों का ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, ठीक है, ये हम लोग का एयर के लिए लिया गया है। अब यहाँ पर देखो ये जो है बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो हम लोग का 3.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है वो रिड्यूस होकर कितना में आ जा रहा है हम लोग का 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स हम लोगों को यहाँ से क्लियरली स्टेट मिल गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से हम लोगों का स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ से भी हम लोगों को क्लियरली स्टेट हो गया, दैट मीन्स नोट अच्छे से याद समझ में आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कौन सा मीडियम हो गया, रेयर मीडियम, एंड ये कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम। क्यों डेंसर मीडियम हो गया, क्योंकि मैंने तुम लोगों को लिखाया था डेंसर मीडियम में हम लोगों का स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाता है, कम होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों का रेयर मीडियम है, तो रेयर मीडियम में हम लोगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों का ये एयर के लिए दिया है, इसीलिए 1 है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों का कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से हम लोगों का कितना रिड्यूस हो गया, देखो 3 × 10⁸
घट गया, कितना घटा 2 × 10⁸। तो हम लोगों को यहाँ से क्लियरली स्टेट मिल गया कि बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों का स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, घटेगा।